हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल तो स्टूडेंट्स आज मैं लेकर आई हूँ केमिस्ट्री की जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी उसका नेक्स्ट वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इन द ऑसवल्ड प्रोसेस फॉर मैनुफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड द कैटलिस्ट इज तो कैटलिस्ट यूज होती है वो है प्लेटिनम नेक्स्ट वन एन इक्विलेंट ऑफ अ स्ट्रॉग एसिड इज एडिड टू वन इक्विलेंट ऑफ अ वीक बेस द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी तो जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा नेक्स्ट एन एक्व सोल्यूशन हुज पी एच इज जीरो तो वो एसिडिक होगा क्योंकि सेवन से जो नीचे वाले होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेक्स्ट एन एक्वे सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड वुड बी तो ये भी एसिडिक होगा नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हैज़ बिन गिवन बाय तो ये दिया था मोजले ने नेक्स्ट है विच वन इज नोन एज फादर ऑफ प्रियोडिक टेबल तो इनमें से जो मैंडलिव है उनको बोला जाता है फादर ऑफ प्रियोडिक टेबल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट्स आर अरेंजड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एवरी एट एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट दिस लॉ हैज बीन गिवन बाय तो ये दिया था न्यूलैंड ने न्यूलैंड का ऑक्टिव रूल लॉ नेक्स्ट है इन मॉडर्न प्रियोडिक टेबल द नंबर ऑफ पीरियड तो वो होते हैं सेवन एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं एटीन नेक्स्ट है वट इज़ द कॉमन करेक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियडिक टेबल तो ये इसका इनके कॉमन करेक्टर होता है कि जो इनका उनके इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं वो सेम होते हैं नेक्स्ट है द टेंथ एलिमेंट इन द न्यूल पीरियडिक क्लासिफिकेशन रिजेंबल द तो ये रिजेंबल करेगा थर्ड को क्योंकि जो एट्थ होता है वो फोर्थ को फर्स्ट को करता है सॉरी तो so, जो टेंथ होगा वो थर्ड को करेगा नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द दिडिक टेबल इज तो ये होते हैं एट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन तो लास्ट होता है थोरियम नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड मेंबर ऑफ द डॉबरिनर ट्राइड दैट ऑल्सो फीचर लिथियम एंड सोडियम तो ये है पोटेशियम नेक्स्ट है इन मैंडलीवस पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटोमिक मास नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर एलिमेंट्स अरेजड इन द मॉडर्न पीडिक टेबल तो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटोमिकलीमेंट्स इन अडिकड है नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं एलिमेंट्स के नेक्स्ट है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज तो फ्लोरिन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव Next, according to Newland's law of octave, how many elements exist in nature? So this is 56 according to Newland's law. Next is the first ionization potential of sodium, magnesium, aluminium, and silicon are in the order of yoga sodium, magnesium, and then aluminium and silicon. Sodium is less than magnesium.

हु प्रिडिक्ट एग्जिटेंस ऑफ सम येट टू बी डिस्कवर्ड एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ गैप्स इन द प्रियोडिकेबल तो ये मैंटलीव ने प्रिडिक्ट किया था नेक्स्ट है विच हैज़ द हाइस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्लोरिन की होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ मॉडर्न प्रियोडिक टेबल ये होते हैं एटीन नेक्स्ट है अमंग द गिवन एलिमेंट्स विच कम फर्स्ट इन द प्रियोडिक्टेबल ऑफ एलिमेंट्स तो न्यून इन सब में पहले आता है प्रियोडिक टेबल में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल हज़ दैट फॉर एवरी एलिमेंट नेम देयर इज अ सिंगल अल्फाबेट दैट सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट्स इट फॉर एग्जाम्पल बी बोरोन सी कार्बन जैसे मतलब जिनका सिंगली जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं अल्फाबेट uh, से सिंगल अल्फाबेट से तो ऐसे फोर्टीन एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में नेक्स्ट न्यूलैंड थ्योरी ऑफ ऑक्टेट ओनली यूज टू अप्लाई टिल कैल्शियम तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें थैंक यू